संपत्ति क्या है? श्रीमद् भागवत में सुदामा ने बताया कि क्या है संपत्ति। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपेदो राज्यम विभूति न समर्थयत्यजा। भक्त के चित्त की सच्ची संपत्ति उसका भगवान है। सदगुण अपनी संपत्ति है। अगर आपके पास में अच्छे अच्छे गुण हैं तो समझ लो आप धनी हो, और अगर आपके अंदर में सदगुण नहीं है तो फिर समझ लो कि कितना भी धन रखे रहो आप में अंदर में कोई भी गुण नहीं, कोई संपत्ति नहीं, आप निर्धन हो। वेदव्यास जी महाराज से किसी ने पूछा कि संसार में अभागा प्राणी कौन है? जिसके पास में धन नहीं है वो अभागा है, या जिसके पास में ज्ञान और कला नहीं है वो अभागा है? तो व्यास जी महाराज ने उत्तर दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिसके पास में कोई कला नहीं है वो अभागा प्राणी नहीं, और जिसके पास में कोई धन संपत्ति नहीं वो भी अभागा प्राणी नहीं। केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः। व्यास जी महाराज कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जिनके पास में रुपया पैसा धन संपत्ति नहीं है वो अभागे प्राणी। केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः, और कुछ लोग कहते हैं जिनके पास में कोई कला गुण नहीं है वो अभागे। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि व्यासो वदत्यखिल शास्त्र पुराण वेता नारायण स्मरणहीन नरो जघन्या। समस्त वेदों और शास्त्रों के परिपूर्ण ज्ञाता श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं अभागा वो प्राणी नहीं जिसके पास में धन संपत्ति नहीं है, अभागा वो भी प्राणी नहीं जिसके पास में कोई ज्ञान और गुण नहीं है, अभागा वो प्राणी है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं है और कानों में जिसकी कथा नहीं है।